Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हिंदी भाषी भाई और चुनाव का माहौल है और विक्रम भैया बार बार याद दिला करे कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। तो मेरे मन में डर हमेशा रहता है आचार संहिता का। एक तो हम कानून विदुर मानने वाले लोग हैं और बार बार हमें याद दिला के रही भाई कानून आचार संहिता, कानून आचार संहिता। तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है, दिल में है, तो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो बहुत घुटन से होती। जैसे आपके जय श्री राम, जय श्री राम, क्या उसे आचार संहिता की जरूरत है बोलने की? वो तो अपना जोर से बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान तक तो आवाज जानी चाहिए, दोनों सिंह तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, कानून है, आचार संहिता है, लेकिन हम कानून के लिए नहीं बने हैं और ना कानून हमारे लिए बने। जब चाहे कानून देख लेंगे। हम सब लोग अयोध्या में थे, विक्रम भाई थे, प्रताप जी थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने उद्धव ठाकरे साहब का जिस जोश और गर्मी से स्वागत किया, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता का दिल और दिमाग उसी दिन एक हो। जो मैंने मिलकर संकल्प किया 2019 में राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। और विक्रम भाई, आपको ये सभी राम भक्तों को लेकर अयोध्या में आना है। आपको मालूम है चुनाव है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और चुनाव में क्या करना है ये भी आपको मालूम है। ये पूरा जो गढ़ है ये हिंदुत्व का गढ़ है, बताने की जरूरत नहीं है। राम जी के हाथ में त्रिकमान है, धनुष बाण है और आपके हाथ में भी रहना चाहिए। ये हमारा धर्म रहेगा। आपने कहा उत्तर भारतीय भवन यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? पता है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। गाना भजन अच्छा चल रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं। ये विराट भाईंदर की जनता बहुत ही चाहनी जनता है, उनको मालूम है। और हमेशा मैंने देखा है